नमस्कार, स्वागत है आपका कार्टिक टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। इस समय बात करेंगे हम सीरियल कुमकुम भाग्य के बारे में, जहाँ पर अब जो अक्षय है वो यहाँ पर रणबीर पर गोली चलाने वाला है। पहले यहाँ पे मिहिका करने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर अक्षय चला रहा है गोली। तो ये सारी चीज अब यहाँ पे सबके सामने अब आती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखिये, शो का जो ट्रैक है वो इन दोनों को लेकर के बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मिहिका है वो यहाँ पर सच जान चुकी है यहाँ पर रणबीर और प्राची का। अब ऐसे में रणबीर और प्राची दोनों के रिश्ते के खुलासे हो चुके हैं और यहाँ पर सच सबके सामने आ चुका है। यहाँ पर मीका को इस सारी चीजें जानने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपनी शुरुआत करने वाली थी रणबीर के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सारी चीजें सबके सामने आ चुकी है। ये सारी चीजें, सारी सच्चाई सबके सामने आने के बाद चीजों का अब यहाँ पे खुलासा हो चुका है। ये सारी चीजों का खुलासा ही अब यहाँ पे कई सारे अब यहाँ पे मोड़ लेकर आएगा। इसी को लेकर अब यहाँ कहानी जो है वो काफी ज्यादा अब इंटरेस्टिंग अब होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब यहाँ पे अक्षय ने क्यों यहाँ पे बंदूक उठाई है, क्यों यहाँ पे जो है वो रणबीर पर वार करने वाला है, तो ये चीजें अब यहाँ पे बता दूं तो कहीं ना कहीं अब अक्षय जो है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर जो प्राची है वो और रणबीर है इन दोनों का महामिलन हो, क्योंकि इन दोनों के महामिलन को लेकर के ही यहाँ पे काफी सारी बातें कही जा रही है, काफी सारी चीज अब यहाँ पे सबके सामने अब आने वाली है। यहाँ पे प्राची रणबीर अब ये दोनों एक होने का फैसला ले रहे हैं, जहाँ पे प्राची अब यहाँ पे डिवोर्स लेना चाहती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर समझौते वाली शादी का अब यहाँ पर सच सबके सामने अब आने वाला है। यहाँ पर सच सबके सामने आएगा। मीका यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है, इसी को लेकर के अब यहाँ पे कहानी जो है वो बिल्कुल बदलने वाली है। यानी कि एक एक कर अब यहाँ पे सारे राज खुलेंगे और यहाँ पर जो अक्षय कि जो बुआ है वो यहाँ पर प्राची का गला दबाते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने धोखा दिया है, उसने धोखे से यहाँ पर शादी की है। लेकिन प्राची ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। प्राची ने यहाँ पर सबको सच बताने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर अक्षय को बताया भी था, लेकिन अक्षय ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, ये उसकी बेवकूफी थी। लेकिन रणबीर और प्राची अब ये दोनों जो है अब एक होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पे इन दोनों के एक होने की कहानी कहीं ना कहीं एपिसोड की अब यहाँ पे आखिरी दास्ता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद लीप की कहानी शुरू हो जाएगी और लीप के बाद अब यहाँ पे खुशी को दिखाया जाएगा। यानी कि वर्षों बाद जब लौटेगी खुशी तो यहाँ पर अक्षय के साथ रह रही होगी। जी हाँ, यहाँ पर अक्षय के साथ वो क्यों रह रही है, आखिरकार यहाँ पर रणबीर प्राची को क्यों नहीं दिखाया गया, क्या यहाँ पर अक्षय ने यहाँ पे वाकई में ले ली है यहाँ पर रणबीर प्राची की जान, अब तक यहाँ पर सामने नहीं आया है। ना ये सारी सच्चाई अब यहाँ पर सामने आएगी तो यहाँ पर सच का खुलासा होगा। इसी सच को खुलासे के बाद अब यहाँ पर चीजें बिल्कुल बदलने वाली है। ना एक एक कर अब यहाँ पर सारे राज रिवील होंगे और इसी को लेकर अब यहाँ पर अक्षय की बुआ जी अब यहाँ पे वार करने वाली है। तो अब ऐसे में यहाँ पर अक्षय और प्राची का क्या होगा, किस तरीके से अब यहाँ पे महामिलन होगा, क्या यहाँ पर मीका या अक्षय यानी कि दोनों भाई बहन मिलकर के क्या क्या यहाँ पे इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे क्या, क्योंकि इन दोनों के अलग करने के लिए अब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मुद्दा होना चाहिए और यहाँ पे ये चीज कहीं ना कहीं है और वो ये है इन दोनों के रिश्ते को लेकर के सच। जहाँ रिश्ते का खुलासा हो चुका है, रिश्ते का सच भी अब सबके सामने आ चुका है। जहाँ धीरे धीरे अब यहाँ पर सारी सच्चाई अब यहाँ पर सबके सामने आ जाएगी। आखिरकार यहाँ पे पल्लवी का अगला प्लान क्या होने वाला है प्राची रणबीर को लेकर के, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। मैं चलती हूँ, नमस्कार।